दिन भर का आरोप, स्विस बैंकों में अडानी के 2600 करोड़ रुपए फ्रीज। अडानी ग्रुप बोला, सारे दावे झूठे, यह हमारी मार्केट वैल्यू गिराने की कोशिश। हिंडनबर्ग रिसर्च ने गुरुवार 12 सितंबर को अडानी ग्रुप के खिलाफ नए आरोप लगाए। हिंडनबर्ग ने कहा कि स्विस अथॉरिटीज ने अडानी ग्रुप से जुड़े 6 स्विस बैंक अकाउंट से $310 मिलियन, करीब 2602 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम फ्रीज की है। हिंडनबर्ग ने स्विस मीडिया आउटलेट गोथम सिटी की एक न्यूज रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि स्विस अथॉरिटीज ने ये रकम मनी लॉन्ड्रिंग और सिक्योरिटीज फॉर्जरी इन्वेस्टिगेशन के हिस्से के रूप में की है। स्विस मीडिया आउटलेट ने स्विस क्रिमिनल कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार बताया कि अभियोजकों ने विस्तार से बताया कि कैसे अडानी से जुड़े लोगों ने ओपेक, बीवीआई, मॉरिशस और बरमूडा फंड में निवेश किया। इस फंड में खास तौर पर अडानी ग्रुप के स्टॉक थे। हालांकि गुरुवार देर रात अडानी ग्रुप ने इन सभी आरोपों को झूठा बताया। ग्रुप ने कहा कि ये सब उनकी मार्केट वैल्यू गिराने के लिए किया जा रहा है। अडानी ग्रुप ने आरोपों को बेतुके और तर्कहीन बताया। अपने जवाब में अडानी ग्रुप ने साफ किया कि वे किसी भी स्विस अदालत की कार्यवाही में शामिल नहीं हैं, न तो उनके ग्रुप की कंपनियों का उल्लेख ऐसे किसी भी अदालती दस्तावेज में किया गया है और न ही उन्हें स्पष्टीकरण के लिए कोई अनुरोध मिला है। अडानी ग्रुप ने कहा, आरोप साफ तौर पर बेतुके और तर्कहीन है। हमें यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि यह हमारे समूह की प्रतिष्ठा और मार्केट मूल्य को क्षति पहुंचाने का प्रयास है। ग्रुप ने कहा कि उनका विदेशी होल्डिंग स्ट्रक्चर पारदर्शी और सभी कानूनों के अनुरूप है। सेबी चेयरपर्सन पर भी लगे थे अडानी ग्रुप से जुड़े होने के आरोप। इससे पहले हिंडनबर्ग ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI की चेयरपर्सन पर गंभीर आरोप लगाए थे। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। बुच ने इन आरोपों को निराधार और चरित्र हनन का प्रयास बताया था। SEBI चेयरपर्सन ने सभी फाइनेंशियल रिकॉर्ड डिक्लेयर करने की इच्छा व्यक्त की था। अपने पति धवल बुच के साथ एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में उन्होंने कहा, हमारा जीवन और फाइनेंसेस एक खुली किताब है। अडानी ग्रुप पर लगाए थे मनी लॉन्ड्रिंग, शेयर मैनिपुलेशन जैसे आरोप। 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। रिपोर्ट के बाद ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि बाद में इसमें रिकवरी आई। इस रिपोर्ट को लेकर भारतीय शेयर बाजार रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI ने हिंडनबर्ग को 46 पेज का कारण बताओ नोटिस भी भेजा था। 1 जुलाई 2024 को पब्लिश किए अपने एक ब्लॉग पोस्ट में हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा कि नोटिस में बताया गया है कि उसने नियमों उल्लंघन किया है। कंपनी ने कहा, SEBI ने आरोप लगाया है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में पाठकों को गुमराह करने के लिए कुछ गलत बयान शामिल हैं। इसका जवाब देते हुए हिंडनबर्ग ने SEBI पर ही कई तरह के आरोप लगाए थे। रिपोर्ट के बाद शेयर अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 59% गिरा था। 24 जनवरी 2023 भारतीय समय के अनुसार 25 जनवरी को अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर का प्राइस ₹3,442 था। 25 जनवरी को ये 1.54% गिरकर ₹3,388 पर बंद हुआ था। 27 जनवरी को शेयर के भाव 18% गिरकर ₹2,761 पर आ गए थे। 22 फरवरी तक ये 59% गिरकर ₹1,404 तक पहुंच गए थे। हालांकि बाद में शेयर में रिकवरी देखने को मिली। हालांकि अडानी ने किसी भी गलत काम के आरोपों से इनकार किया। ऐसे में अडानी ग्रुप ने अपना 20,000 करोड़ का फॉलोन पब्लिक ऑफर भी कैंसिल कर दिया। केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई और सेबी ने भी मामले की जाँच की। कोर्ट के फैसले के बाद अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा था, कोर्ट के फैसले से पता चलता है कि सत्य की जीत हुई है।